बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे एग्जांपल नंबर 5। हमें फंक्शन की वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वेयर कॉस बीटा एक्स, वेयर लैम्डा इज अ पॉजिटिव नंबर। हमने इसका फोरियर फाइंड आउट करना है। फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेफिनेशन अप्लाई कर दी ई की पावर आयोटा के एक्स, और साथ में फंक्शन रख दिया हमने ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वेयर कॉस बीटा एक्स डी एक्स। अच्छा, अब हमें पता है कि अगर हम बात करें ई की पावर एटा बी एक्स की, तो ये किसके इक्वल होता है? कॉस बीटा एक्स प्लस एटा साइन बीटा एक्स। तो अगर हमारे पास कॉस बीटा एक्स है तो ये तो इस पूरे का क्या है? रियल पार्ट। तो अगर हम इसके जस्ट रियल पार्ट, ये तो पूरा इसके इक्वल है। अगर हम बात करें रियल पार्ट ऑफ ई की पावर एटा बी एक्स की, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा? वो आएगा कॉस बीटा एक्स की। और अगर हम बात करें इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा बी एक्स की, तो वो हमारे पास आएगा साइन बीटा एक्स। अब हमारे पास क्या था? कॉस बीटा एक्स, तो उसकी जगह पे हमने लिख लिया रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा बी एक्स, आयोटा बीटा एक्स। अच्छा, अब हम जब रियल पार्ट की बात कर रहे हैं, तो हमने सारे रियल, इसके सारे रियल पार्ट की बात कर ली, सारे इंटीग्रल के रियल पार्ट की बात की, इसको बाहर लिख लिया रियल पार्ट ऑफ दिस। अच्छा, अब जो ई की पावर्स हैं सारी, वो हमने इकट्ठी कर ली, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड होके हमारे पास क्या आ जाएंगी? पावर ऐड होके हमारे पास आ जाएंगी माइनस लैम्डा एक्स स्क्वेयर प्लस, अब इनमें देखें आयोटा दोनों में मौजूद है, और यहाँ पे है के एक्स और यहाँ पे है बीटा एक्स, तो हम इसको लिख लेंगे, आयोटा को बाहर निकाल लेते हैं शुरू से, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा के प्लस बीटा लिख लें, या बी प्लस बीटा प्लस के लिख लें, बीटा प्लस के, और साथ में दोनों के अंदर एक्स मौजूद था तो एक्स को हमने एंड पे लिख दिया। अब जब आप यहाँ पे माइनस लैम्डा कॉमन ले लेंगे, ई की पावर माइनस लैम्डा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वेयर, नेगेटिव कॉमन लिया है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा साथ आयोटा बीटा प्लस के एक्स, और इस लैम्डा से हम डिवाइड भी कर देंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास एक्स की टर्म है, एक्स का कोफिशियंट है आयोटा इंटू बी बीटा प्लस के ओवर लैम्डा, तो स्केयर कंप्लीट करने के लिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। देखें यही हमने यहाँ पे काम किया है। अब ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा, और वही बात पुरानी के इससे इसके साथ ये माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस बाहर का मौजूद है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये बाहर लिख देंगे, इसको हम बाहर ले जाएंगे ई की पावर करके, और यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल मौजूद है एक्स, तो इसको अंदर रखेंगे इंटीग्रल के अंदर, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है एक्स के साथ उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ देखें बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 1/√2π रियल पार्ट ऑफ दिस, ये बाहर आ गया, और आपके पास क्या बच जाएगा? माइनस लैम्डा एक्स माइनस आयोटा इंटू बीटा प्लस के ओवर 2 लैम्डा का होल स्केयर। अच्छा, अब यहाँ पे वही बात कि इस लैम्डा को भी स्केयर में रख लें, तो ये स्केयर रूट ऑफ लैम्डा करके साथ आ जाएगा, उसके जो कुछ अंदर लिखा हुआ है सारे को हमने यू के इक्वल ऐड कर लिया, और जब डिफरेंशियल कर लेंगे इसका, तो डी यू इज इक्वल टू स्केयर रूट लैम्डा बाहर वाला, और ये डी एक्स आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा? डी एक्स इज इक्वल टू 1/√λ डी यू। हम डी एक्स की जगह ये रख देंगे, और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास इंटीग्रल बन जाएगा, और ये हमारे लिए बड़ा वेल नॉन हो चुका है। अब इसकी जगह हम रख देंगे स्केयर रूट पाई, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये प्रोसेस है, बड़ा इजी सा प्रोसेस है, इसको ध्यान से देखें, और ये एग्जाम्पल्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट इस पार्ट में जो एग्जाम्पल है हमारे पास, ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वेयर, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? साइन बीटा एक्स। मैं बता चुका हूँ आपको कि ई की पावर आयोटा बीटा एक्स अगर हम ले लें, और इसका इमेजिनरी पार्ट हम ले लें पिछले एग्जाम्पल में, तो किसके इक्वल होगा? साइन बीटा एक्स के। तो हम इसकी जगह पे ये लिख लेंगे जैसे कि उसने यहाँ पे लिखा है, उसके बाद सारा कुछ इकट्ठा किया, और वही सारी बातें इमेजिनरी पार्ट, आखिर में जाके हम इस बस का क्या ले लेंगे? इसका इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे।
एटा के साथ जो टर्म होगी उसको लिख लेंगे, रियल पार्ट को ख़त्म कर देंगे। ये सारी सिंप्लीफिकेशन के बाद देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस, लेकिन इसके पास इसके अंदर तो इमेजनरी पार्ट जीरो है, ये सारा तो रियल है, तो इसका मतलब हुआ कि इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस जीरो आ जाएगा, 0 × 1/√ स्केयर रूट ऑफ 2λ π, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास जीरो आ जाएगा, ये आंसर है इसका। इस तरह से आपने इस एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस के एक्स, वेयर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन एन बाई ओवर के नॉट, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो वेन मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एन बाई ओवर के नॉट। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कॉस के नॉट एक्स लिखा है, ये आपने थोड़ा गौर करना है, कॉस के एक्स नहीं है, कॉस के नॉट एक्स है। ये वही बात है जब हमने पहले पढ़ा था कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू ए होगा, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है माइनस ए इज लेस आर इक्वल टू एक्स इज लेस आर इक्वल टू ए। अगर ये स्ट्रिक्ट होगी इनक्वालिटी तो हम यहाँ पे जस्ट लेस देन यूज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे है कि मॉड एक्स इज लेस देन एन पाई ओवर के नॉट है, तो इसको हम क्या लिख सकेंगे, ये कंडीशन कब होगी, हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा कॉस के नॉट एक्स के, अगर इसकी कंडीशन क्या बनेगी, माइनस एन पाई ओवर के नॉट इज लेस देन एक्स इज लेस देन एन पाई ओवर के नॉट होगा, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो होगी अगर, ये भी बता चुका हूँ आपको कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए हो तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्स या तो माइनस ए से छोटा है या फिर एक्स ए से बड़ा है। सम केसेस हम ये कहते हैं कि मॉड फंक्शन है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, रियल नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को शो करते हैं, तो वो सारे नंबर जिनका डिस्टेंस अगर हम ओरिजिन से लें तो वो ए से ज़्यादा हो, तो वो सारे नंबर हैं रियल नंबर लाइन पर पड़े हुए, माइनस ए यहाँ पे होगा, ए यहाँ, जीरो यहाँ पे, ए यहाँ पे, वो सारे नंबर जिनका डिस्टेंस ए से, यहाँ तक तो डिस्टेंस ए है, यहाँ तक भी डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए, वो नंबर जिनका डिस्टेंस ए से ज़्यादा है वो यहाँ पड़े होंगे या फिर ए से आगे पड़े, माइनस ए से पीछे पड़े होंगे या ए से आगे पड़े होंगे, यहाँ पे आपके पास एक्स ग्रेटर देन ए है और यहाँ पे एक्स इज लेस देन माइनस ए है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, जीरो होगा और यहाँ पे एक जगह एन पाई ओवर के नॉट यूज़ कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स इज लेस देन माइनस एन पाई ओवर के नॉट और एक्स इज ग्रेटर देन एन पाई ओवर के नॉट। अब हम इसको तोड़ लेंगे, ये जो इंटीग्रल है हमारे पास, जब हम इसका फोरियर लेना है एफ ऑफ एक्स का 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को जब हम लिखना चाहेंगे तो चूंकि ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है तो हम इसको तोड़ लेंगे माइनस एन पाई ओवर के नॉट और एन पाई ओवर के नॉट, तो देखें हम माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आ गए, माइनस एन पाई ओवर के नॉट तक, फिर एन पाई माइनस एन पाई से एन पाई ओवर के नॉट तक, और फिर यहाँ पे आपके पास प्लस है, प्लस एन पाई ओवर के नॉट से इन्फिनिटी तक, तो यहाँ भी फंक्शन जीरो हो जाएगा और यहाँ भी फंक्शन जीरो क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस के नॉट एक्स, इसकी जगह हम कॉस के नॉट एक्स लिख लेंगे और इसके बाद दोबारा इसको रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा के नॉट एक्स की फॉर्म में लिखेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। अब देखें जरा, यहाँ पे हमने लिख लिया कॉस के नॉट एक्स, साथ में एक्स भी मौजूद है यहाँ पे, इसकी पावर में नहीं है, साथ है ऐसे, इसको हम रियल पार्ट लिखा और हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आयोटा के साथ के प्लस के नॉट नीचे आ जाएगा, लिमिट्स अप्लाई करें, लिमिट्स अप्लाई करके आपके पास ये आयोटा को बाहर निकाल दें और के प्लस के नॉट को भी बल्कि हमने बाहर निकाल दिया, इस पर लिमिट्स अप्लाई कर दी, और ये आपको बता चुका हूँ मैं कि हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ए की पावर आयोटा थीटा माइनस ए की पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर 2 आयोटा, तो ये आपके पास अयोटा और ये सारा, इस सारे को थीटा समझेंगे, थीटा है आपके माइनस अयोटा और ये सारा थीटा, नीचे हमें क्या चाहिए, नीचे 2 अयोटा चाहिए,
टू आयोटा नीचे लाने के लिए हमने ऊपर भी स्केयर रूट टू से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी स्केयर रूट टू से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी स्केयर रूट टू से। जब स्केयर रूट टू से नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई किया तो ये स्केयर रूट टू और ये दो हो गए, स्केयर रूट टू का स्केयर बन गया और टू बच गया नीचे हमारे पास। आयोटा पहले मौजूद है, इन दोनों को यहाँ से उठाएंगे, इन दोनों को और यहाँ ले आएंगे नीचे, और नीचे निकलेंगे लागे टू आयोटा। अब इसके मुताबिक ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया साइन ऑफ के प्लस के नॉट एन पाई ओवर के नॉट, यानी ये थीटा, ये इसका, इसको इसकी जगह हम ये लिख लेंगे। रियल पार्ट ऑफ दिस लिखना है तो ये सारा रियल पार्ट खुद ही है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो उसका जीरो है, तो इसी को लिख लेंगे हम, ये लिख लिया। और इसको नेक्स्ट टाइम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ दिस एन पाई, ये के नॉट जब अंदर मल्टीप्लाई हुए दोनों के साथ, दोनों के नीचे आएगा तो इधर तो कट जाएगा, इधर से वन बन जाएगा यहाँ पे तो, और इसके नीचे ये वैसे का वैसे आ जाएगा के नीचे। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये के प्लस के नॉट वैसे का वैसे नीचे पड़ा हुआ है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आएगा हमारे पास, ये फॉर्म बनेगी साइन ऑफ, ये पूरा मल्टीप्लाई हो अंदर तो ये आ गया के एन पाई ओवर के नॉट प्लस के नॉट एन पाई ओवर के नॉट। यहाँ से ये के नॉट से कैंसिल हो गया और यहाँ बच गया के एन पाई ओवर के नॉट, यहाँ पे के साथ मौजूद होगा। अच्छा, अब ये अल्फा है और ये बीटा, इसको अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लें। साइन अल्फा प्लस बीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो बीटा आपके पास एन पाई है और एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, ऊपर बताया गया है कि कैपिटल एन जो है हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, और अल्फा जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पे हम लिख लेंगे एन पाई के ओवर के नॉट, यहाँ भी आपके पास के आ जाएगा और यहाँ भी साथ में के आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट याद रखें, ये फार्मूला पहले भी बता चुका हूँ आपको कि हमारे पास अगर एन इंटीजर हो, फॉर ऑल एन बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर एन कोई इंटीजर हो, नीचे लिख लेते हैं, तो कॉस एन पाई जो है वो इक्वल होगा -1 की पावर एन के, और साइन एन पाई ये हमेशा जीरो होगा, ये इसके लिए आप याद रखें। ऑड के लिए कॉस जीरो होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू के लिए, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू के लिए साइन जीरो होता है। और दूसरे जो फार्मूले हैं कॉस एन पाई, मैंने दो फार्मूले आपको इसके अलावा भी बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास आ जाए साइन 2n+1 पाई बाई टू तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है -1 की पावर एन के, और कॉस 2n+1 पाई बाई टू अगर आ जाए तो ये जीरो के इक्वल होता है, इनको भी याद रखें। लेकिन उस वक्त बात हो रही है जब हमारा एन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा हो। अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा ये स्केयर रूट ऑफ 2/π बाहर, और इसकी जगह इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, -1 की पावर कैपिटल एन, तो इसका आंसर आएगा -1 की पावर कैपिटल एन, और साइन एन पाई क्योंकि ये इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो मल्टीप्लाई होगी, ये सारी टर्म हमारी ख़त्म हो जाएगी और ये बच जाएगा बाहर, साइन एन पाई के ओवर के नॉट और -1 की पावर एन हमने बाहर लिख दिया, और नीचे जो कुछ मौजूद था वो हमने लिख दिया। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ये साइन नहीं है, यहाँ पे के है, यहाँ पे आप के लिख लें, बाद में लिख लें या पहले लिख लें, के एन पाई ओवर के नॉट और -1 की पावर एन स्क्वायर रूट ऑफ 2π सारा लिखा हुआ है। ये एग्जाम्पल्स थी इसकी, प्रॉपर्टीज़ के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।